इस प्रेसमैन ने तो कमाल ही करती, चारे पासे हुण इसे दे ही चर्चे ने। हर कोई इसे कोलों अपने कपड़े प्रेस कराउणा चाहुंदा है। दरअसल एक सधारण जा दिखण वाला यह प्रेसमैन वह काम कर गया जो वड्डे वड्डे नहीं कर पाउंदे। जी हाँ, ऐसा काम जिहड़ा किते बाजारां दे विच खरीदिया नहीं मिलता, यह संस्कारां दे विच मिलता है। उस चीज़ का नाम है ईमानदारी। जी हाँ, इस दुनिया दे विच ईमानदारी हाले भी जिंदा है। इसका उदाहरण अज इस प्रेसमैन ने दिता है। दरअसल एक महिला इस प्रेसमैन नू कपड़े फड़ा के गई। कुछ कपड़े पोटली दे विच बंद सन, ते पोटली दे विच एक सूट रख्या होया सी, ते उसे सूट दे विच महिला दी चेन भी कपड़िया दे नाल आ गई। चेन हजारां रुपए दी सी, क्योंकि यह चेन सोने दी सी। पर फिर भी इस प्रेसमैन का मन नहीं डोलिया। इस प्रेसमैन ने उस महिला नू घर जाके वो चेन वापस की है। तो हुण इलाके दे विच अते चारे पासे इस प्रेसमैन की ईमानदारी दे चर्चे होने लग पे ने। गुरदासपुर के प्रेम नगर रोड से यह शख्स प्रेसमैन का काम करता है, तो हुण इसकी ईमानदारी के चारे पासे चर्चे होने लग गए ने। तुहाडा इस उपर की कहना है कमेंट दे विच सानू जरूर दस्यो। परवेश कुमारी, कदों दी गुम हुई सी? काफ़ी देर तो गुम सी, और मैं शायद भूल भी गई सी कि मेरी चेन कितने पई है। हाँ जी, मैं कपड़े इन्होंने प्रेस करने लिए देती रहनी है, तो और इन्हों की ईमानदारी है कि जी इन्होंने मैं वापस देती। बड़ी खुशी की गल हुई कि अज के युग च ईमानदार लोग भी है ना, और बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने मैं अज वापस दे दी है। शायद काफ़ी महीनों तो मेरी ये गुम सी। आप इस प्रेस वाले मिंटू ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਨੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੈਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸਮੈਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਚਰਚੇ ਨੇ। हर कोई इसे कोलों अपने कपड़े प्रेस कराउणा चाहुंदा है। दरअसल एक सधारण जा दिखण वाला यह प्रेसमैन वह काम कर गया जो वड्डे वड्डे नहीं कर पाउंदे। जी हाँ, ऐसा काम जिहड़ा किते बाजारां दे विच खरीदिया नहीं मिलता, यह संस्कारां दे विच मिलता है। उस चीज़ का नाम है ईमानदारी। जी हाँ, इस दुनिया दे विच ईमानदारी हाले भी जिंदा है। इसका उदाहरण अज इस प्रेसमैन ने दिता है। दरअसल एक महिला इस प्रेसमैन नू कपड़े फड़ा के गई। कुछ कपड़े पोटली दे विच बंद सन, ते पोटली दे विच एक सूट रख्या होया सी, ते उसे सूट दे विच महिला दी चेन भी कपड़िया दे नाल आ गई। चेन हजारां रुपए दी सी, क्योंकि यह चेन सोने दी सी। पर फिर भी इस प्रेसमैन का मन नहीं डोलिया। इस प्रेसमैन ने उस महिला नू घर जाके वो चेन वापस की है। तो हुण इलाके दे विच अते चारे पासे इस प्रेसमैन की ईमानदारी दे चर्चे होने लग पे ने। गुरदासपुर के प्रेम नगर रोड से यह शख्स प्रेसमैन का काम करता है, तो हुण इसकी ईमानदारी के चारे पासे चर्चे होने लग गए ने। तुहाडा इस उपर की कहना है कमेंट दे विच सानू जरूर दस्यो। परवेश कुमारी, कदों दी गुम हुई सी? काफ़ी देर तो गुम सी, और मैं शायद भूल भी गई सी कि मेरी चेन कितने पई है। हाँ जी, मैं कपड़े इन्होंने प्रेस करने लिए देती रहनी है, तो और इन्हों की ईमानदारी है कि जी इन्होंने मैं वापस देती। बड़ी खुशी की गल हुई कि अज के युग च ईमानदार लोग भी है ना, और बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने मैं अज वापस दे दी है। शायद काफ़ी महीनों तो मेरी ये गुम सी। आप इस प्रेस वाले मिंटू नू प्रेस ही कराने कपड़े, तो इन्हों की ईमानदारी देख के अब मैं भी बड़ा खुश हाँ कि इन्होंने सानू चैनी जी वापस करती है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਨੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੈਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।